अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? ये हमारा जो है कमिंग लेक्चर जो है, मैं आपको बता रही थी कि हेमलेट से जो है क्लॉडियस का खत्म हो जाता है और क्लॉडियस जो है रोजेनफ्रेंड को खेलता है कि वो हेमलेट को पकड़ के लाए और हेमलेट से उनकी कम्युनिकेशन होती है क्लॉडियस की और क्लॉडियस को वो जवाब देता है, जिसकी वजह से क्लॉडियस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो कहता है कि खुद से तलाश करो कि इसने जो है वो क्लॉडियस को कहाँ छुपाया है, उसकी डेड बॉडी को। तो इसी तरह हेमलेट और क्लॉडियस के दरमियान जो है तकरार होती है और क्लॉडियस जो है बताता है हेमलेट को कि वो उसको जो है इंग्लैंड भेज रहा है। तो वो कहता है कि उसकी वालदा जो है इस पर एग्रीन है, मैं अपनी वालदा को गुड बाय कहना चाहता हूँ, कहता है कि मैं आपका फादर हूँ, मुझे गुड बाय जो है वो कह दें। और अगला सीन जो है एक्ट फोर, सीन फोर में आ जाता है, उसमें फोर्टीन ब्रास है जो कि वॉरियर है और वो डैनिश का किंग bring my greetings to Danish king, tell him that by his lessons 14 prayers the convenience of the promised march over his kingdom. 14 prayers ka ye hai ki wo jo hai मिलने आया है डेनिश टीम से और कप्तान भी उनके साथ है, तो इनकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। और इसी दौरान जो हेमलेट है वो भी उधर है और वो कप्तान से बात करता है और इसी तरह कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। और हेमलेट उसी दौरान कप्तान से बातें करते हुए उसको पता चल जाता है कि कोविन फ्रांस जो है वो अपनी फौज के साथ आया है हमले के लिए, अटैक करने के लिए। तो वो इसको भाग देता है। तो रोजेनफ्रेंड जो है वो हेमलेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हेमलेट को पता चल जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग विद हेमलेट और इसके साथ अच्छा नहीं होने वाला। वो एक शख्स को जो है वो लेटर दे के भेजता है और उसे कहता है कि ये लेटर जो है वो आपने जो है उसको देना है, क्या नाम है उसका, होरेशियो को देना है। अगला सीन जब स्टार्ट होता है तो वो सीन एक्ट फोर में, सीन फाइव में डेडपूल से जो है कम्युनिकेशन होती है होरेशियो की और जेंटलमैन की। तो डेडपूल जो है वो कहती है कि मैं नहीं मिलना चाहती, जेंटलमैन जो है वो कहता है कि वो उससे मिलने वो बहुत ज़्यादा काम में है, परेशान है। तो उससे कहा जाता है कि उस डेडपूल कहती है कि मैं उसे क्यों मिल लूँ, लेकिन जेंटलमैन कहता है कि वो अपने फादर की वजह से रो रही है, परेशान हाल है, आप मिले, यहाँ ऑफिलिया की बात हो रही है। तो ऑफिलिया जो है वो डेडपूल से मिलना चाहती है। होरेशियो जो है वो भी कहता है कि आप उससे मिल लें, हो सकता है कि कुछ जो है वो आपको बता दें। इसका डेडपूल जो है उससे मिलने की उसको इजाज़त दे देती है और जेंटलमैन चला जाता है। डेडपूल जो है अब ऑफिलिया और डेडपूल की कम्युनिकेशन होती है, ऑफिलिया उसको बताती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, डेडपूल जो है उसको हौसला देती है। इसी तरह ऑफिलिया अपने जो सैड सॉन्ग्स हैं उसमें अपनी जो है फादर की मोहब्बत का इजहार करती है और वो रोती चली जाती है। यहाँ तक के डेडपूल जो है वो उसको समझाती है कि इस तरह से नहीं करो, लेकिन ऑफिलिया जो है वो अपनी जो है वो सिंगिंग करती है और सिंगिंग में अपने फादर्स की डेथ को जो है वो उस पर मांस करती है, मातम गुना है और क्लॉडियस अंदर दाखिल हो जाता है। तो गेटवुड जो है वो क्लॉडियस से मुखातिब होती है और उसको कहती है कि ऑफिलिया की हालत देखो, ऑफिलिया उसको अपनी सॉन्ग जो है वो गा रही होती है और उसमें इंडिकेशन दे रही होती है अपने फादर्स की लव की, अफेक्शन की। तो
क्लॉडियस पूछता है कि इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, और ऑफिलिया जो है वो बताती है कि आपके फादर की डेथ हो गई और इसके साथ ये सानिहा हुआ। तो क्लॉडियस जो है इसकी बात सुनता है, कंसीडर कौन है फादर, वो कहता है कि वो अपने बाप के बारे में, डेथ के बारे में सोच रही है, और ऑफिलिया जो है उसके अपनी सिंगिंग में अपने फादर के सारा जो है सिचुएशन को वो एक्सप्लेन करती है। क्लॉडियस जो है वो सिंपथी क्रिएट करता हुआ अपनी वर्डिंग में कहता है कि प्रिटी ऑफिलिया, ताकि ऑफिलिया थोड़ी सी जो है वो अपने आप को संभाले। लेकिन ऑफिलिया थ्रू आउट सॉन्ग्स में अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, सेंटीमेंट्स जो उसके फादर से हैं उनका इजहार करती है। इवन के जो है न्यू सॉन्ग्स से पता चलता है कि वो हैमलेट से भी रिलेटेड कुछ जो उसके इमोशंस हैं उसको एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है। तो इसी तरह इन लोगों की जो है कम्युनिकेशन चलती रहती है, क्लॉडियस की और ऑफिलिया की, गेटरूट की। तो एक दिन इनको बाहर से शोर की आवाज़ आती है और गेटरूट कहती है कैसे शोर है। क्लॉडियस अपने स्विस गार्ड्स के लिए कहता है कि वो कहाँ है और इस शोर को रोकने कौन अंदर आना चाह रहा है, मैसेंजर अंदर आता है। और वो कहता है कि पूछता है क्लॉडियस उससे क्या मामला है। मैसेंजर बताता है कि वो शख्स जो है वो आपसे मिलना चाहता है, वो लेट्रेस है, वो अपने बाप की डेथ के बारे में जानना चाहता है। और गेटरूट जो है वो पूछती है कि ये यानी कि ये किस तरह का शो है और क्यों इस तरह से आ रहा है। क्लॉडियस कहता है कि जो दरवाजे हैं तो क्या वो दरवाजे जो हैं वो ब्लॉक करें हैं, द डोर्स आर ब्रोकन। और लेटर सेंटर होता है, लेटर्स जो है वो कहता है वेयर इज द किंग सर्स ट्रेंड शो और विदाउट, बादशाह किधर है। और वो जेंटर मैन की तरफ वेट करता है आउटसाइड, ऑल जो सारे जेंटर मैन हैं या जो उनके गार्ड्स हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेटर्स आर प्रे यूटिंग मुझे छोड़ दो एक करने के लिए, ऑल वी विल हम छोड़ देंगे। लर्डिस फॉलोअर्स एग्जिट, लर्डिस आई थिंक यू कीप द डोर, ओ टाउ माय थिंग, थैंक यू गॉड द डोर, क्लॉडियस गिव मी माय फादर, यू माय थिंग गिव मी माय फादर। कहते हैं मुझे आप बादशाह मेरे बाप, मुझे मेरे बाप को वापस करोगे। ट्रू लर्डिस वो इस तरह की जो है कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। और लर्डिस चलाता है, चीखता है, कहता है कि मेरे बाप की जो है ये मेरे बाप को किसने किया। और क्लॉडियस उसको बताता है कि जो भी कॉज है इसमें आपके फादर की डेथ हुई है तो हम उस पर अफसोस करते हैं। और लर्डिस कहता है कि मेरा बाप कहाँ है, क्लॉडियस को बताते उसकी डेथ हो गई है। गेटरूट कहती है लेकिन मैं बादशाह ने नहीं की, आप बादशाह के खिलाफ ना हो। तो क्लॉडियस कहता है कि फिर मुझे बताएं, लेट हिम डिमांड हिज विल। वो कहता है कि ठीक है आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको बताता हूँ। लर्डिस को फिर वो इसी तरह लर्डिस का सहारा लेता है और उसको बताता है कि हैमलेट ने उसके फादर की डेथ की है और हैमलेट इसके भी उनका प्यासा है और इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो लर्डिस जो है उससे पूछता है कि उसने क्यों की और इसके बारे में उसने कोई कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि वो इनसेन कंडीशन में है, यानी उसका मेंटल लेवल जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब है और इस वजह से उसने जो है वो क्लॉडियस को मार दिया है। तो इसी तरह वो क्लॉडियस जो है वो लर्टिस को अपने जाल में फंसा लेता है और लर्टिस को बताता है कि जो क्लॉडियस लर्टिस को तफसील से जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो हैमलेट है
वो पहले उसने तुम्हारे बाप को मारा, अब वो मुझे मारना चाहता है। तो लोटस कहता है कि कोई ऐसा प्लान करते हैं जिससे जो है वो सांप भी मर जाए और लाठना टूटे। तो इस पर जो है ये होता है कि लोटस और क्लॉडियस की जो है वो मीटिंग चल रही होती है और ऑफिलिया जो है वो सिंगिंग कर रही होती है। तो ऑफिलिया से भी जो है लोटस की बात होती है, इस तरह की कम्युनिकेशन में वो बताती है फादर के बारे में और वो रो रही होती है। तो लोटस जो है वो कहता है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को सबको देख रहा है, वो अपनी सिस्टर को जो है वो हौसला देता है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन चलती हुई जो है वो आगे बढ़ती है। और उसी दौरान जो है एक्ट फोर में जो सीन सिक्स है उसमें जो लेटर दिया होता है हैमलेट ने एक आदमी को, जेंटलमैन को, सर्वेंट को, वो आता है और होरेशियो का पूछता है। होरेशियो जो है उससे वो लेटर वसूल करता है और सेलर से लेटर लेता है और सेलर उसको बताता है कि ये हैमलेट ने भेजा है। और होरेशियो वो लेटर पढ़ता है जो कि उसमें हैमलेट ने उसको पैगाम दिया होता है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इससे लेटर ले लो। और इसको जो है दूसरा लेटर जो है इसकी वालदा का और किंग का इसके पास है, वहाँ तक पहुँचा दो और मैं आपको जल्दी मिलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या ट्रेचरी हो रही है और किस तरह की साजिशें चल रही हैं। तो मैं जो है वो वापस लौट रहा हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद होरेशियो जो है वो उस आदमी को गेटफूट और क्लॉडियस के पास ले जाता है। तो क्लॉडियस और गेट्रिस जो है वो ऑलरेडी प्लान कर रहे होते हैं, वो प्लान कर रहे होते हैं हैमलेट को किस तरह से जो है वो शिकस्त दी जाए। जब उसको पता चलता है कि हैमलेट वापस आ रहा है तो वो लर्टिस के साथ जो है एक मीटिंग रखता है, यानी कि उससे बातें करता है। उसे कहता है कि हम उसे मार देंगे। वो कहते हैं, गर्टिस कहता है कि ठीक है हम लोग मार देंगे इसको, लेकिन ये है कि मेरे पास एक ऐसी जो है जहर है जिससे जो है अगर उसमें हम लोग जो है वो नाइफ को भी भिगो लेंगे या तलवार को भी भिगो लेंगे, अगर वो उससे हैमलेट को लग जाएगी तो हैमलेट के अंदर जहर चला जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं है, इस तरह हैमलेट की डेथ हो जाएगी। अगर वहाँ से बच गया तो हमारे दरमियान में एक ड्यूल होगा, एक लड़ाई होगी। ड्यूल होता है कि दो शख्स के दरमियान में लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई में जो है हैमलेट को मार दिया जाएगा और अगर उससे भी बच गया तो एक कप जो है वो तैयार किया जाएगा पॉइजन का। अगर वो जीत गया तो वो पॉइजन का कप उसको जीत की शक्ल में शराब में पॉइजन डाल दी जाएगी, तो उसकी जीत की शक्ल में उसको दे दिया जाएगा ताकि वो वहाँ वो पी ले और उसकी डेथ वाकया हो जाए। इस तरह से उन्होंने कोई भी रो प्लान नहीं छोड़ते जिससे कि हैमलेट बच सके। तो इसी दौरान जो है वो गेटफूड अंदर दाखिल होती है और गेटफूड बताती है, एक बैड न्यूज लेके आती है कि जो ओफिलिया है उसने सुसाइड कर ली है और ओफिलिया की डेथ हो गई है। तो लर्टिस जो होता है वो बड़ा परेशान होता है और गेटफूड बताती है कि वो डूब गई है। तो लर्टिस भागता है और चला जाता है और इस तरह से ये जो है एक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट कॉमिक में ऐसा है कि वो जो है ग्रेव जो ग्रेव डिगर है इनका सीन आ जाता है। ये एक्ट फाइव और सीन वन है। बेटा आपको पता है क्योंकि ये लाइन्स इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें आपको ये स्टोरी बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में इसका जो स्टोरी है वो मौजूद हो। अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है इससे रिलेटेड तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन, ठीक है। तो इसी तरह जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रेव डिगर हैं ये कब्र को खोद रहे हैं और साथ में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सुसाइडर होता है उसको जो है किस तरह से कब्र में दफनाया जाता है। तो इस तरह इनकी बातों के दौरान जो है
मुरेश और हैमलेट भी वहीं आ जाते हैं, वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं और जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उससे कम्युनिकेशन होती है। हैमलेट जो है उससे पूछता है, जब वो स्कल बाहर फेंकता है तो जो स्कल किसकी है वो बताता है कि ये वेनमॉर किंग की स्कल है। तो फिर इस पर बात होती है और इस तरह मुरेश और हैमलेट जो है इस ग्रेड टीचर से बात कर रहे होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि ये किसके लिए कब्र खोदी जा रही है। और ग्रेड टीचर उससे जो है वो बातें करता है और मजाक करता है कि ये जो है उसी के लिए कब्र खोदी जा रही है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन के दौरान हुरेशो और फर्स्ट ग्रेव डिगर और हैमलेट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो लर्टिस है और क्लॉडियस और गेट्रूड जो है वो पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे आते हैं और जो हैमलेट है और हुरेशियो है वो अपने आप को छुपा देते हैं। और फिर इसी तरह लर्टिस की और कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और गेट्रूड लर्टिस जो है वो दफनाते हैं उसको और वो कहते हैं कि ये किसकी है। और जब लर्टिस बात करता है माय सिस्टर कहता है और वो प्रीस्ट के बारे में बात करता है कि जो है प्रीस्ट ने क्या परफॉर्मेंस की है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सुसाइड के बारे में ये कहा जाता है जिसने सुसाइड की होती है तो उसका क्रिश्चियनिटी में उसको जो है वो सिन कंसिडर किया जाता है। और जब सिन कंसिडर किया जाता है तो जो एक रिक्वायरमेंट्स आम डेड बॉडी के लिए होती हैं क्रिश्चियनिटी में वो फिर पूरी नहीं की जाती। तो जब उनको पता चलता है इसके बारे में तो रिलेटिव प्रीस्ट से बात करता है तो प्रीस्ट के बारे में प्रीस्ट उसके बारे में बताता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो आम एक ब्यूरियल के साथ होती हैं वो भी इसके साथ होती हैं। तो इस तरह मेटिस जो है कहता है कि प्रीस्ट पूछता है कि कोई ऐसी तो नहीं कोई कमी वगैरह तो इस तरह से नहीं रह गई और वो उसको सेटिस्फाइड करता है। और इस तरह जो है इनकी जो कम्युनिकेशन जारी रहती है। हैमलेट और हुरेशियो जब लिएट्रस ये बात कहता है ले हर दी अर्थ एंड फॉर्म हर फेयर एंड अनलोडेड फ्लैश मे वॉलेट स्प्रिंग टेल दी प्रिश प्रीस्ट द स्प्रिंग एंजल शैल माय सिस्टर बी व्हेन थाउ लाइज फॉलिंग। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरी सिस्टर हैं वो एक एंजल ही होगी जो कि हेवन में होगी ना कि दोज़ख में जो जाएगी। तो हैमलेट एकदम चौंक जाता है और हुरेशियो से कहता है व्हाट द फियर ओफेलिया, क्या ये ओफेलिया के साथ हुआ। गेट्रूड स्वीट टू स्वीट फेयरवेल स्केटर क्लॉज आई होप थाउ शुडेस्ट have been my Hamlet's wife. I thought the bride were to have begged sweet meat and not have stewed bay grape. So, in lines mein Gertrud kehti hai ki ye sweet class uske pata kehti hai, sweet girl hai, aur usko kehti hai ki goodbye. और ये कहते कि ये अगर ये जिंदा रहती तो इसी तरह मैं इस पे फूल निछावर करती इस शादी पे और इसकी शादी मेरे हैमलेट से होती और ये हैमलेट की बीवी बनती। तो इससे जो है क्योंकि आपको पता है कि हैमलेट ने अपने आप को छुपाया हुआ है और हुरेशियो ने वो बातें सुन रहे हैं। लर्टिस ओ टेरिबल फूल फॉल 10 टाइम्स terrible on their cursed head, whose trick did the most ingenious sense deprive thee of hold of the earth, a wild
till I had caught her once more in my arms. कहते कि ये तीस दफा इस तरह हुआ. कहते कि ये कष्ट है. अब डोंट बरी हर. कहते इसको भी बिल्कुल नहीं इसको दफन करना चाहिए कि मैं इसको भी हैड हर इन माय आर्म वंस मोर. एक दफा अपने आर्म्स में ना ले लेटेस्ट जंप्स की तरह वो ग्रेव्स में यानी कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है जंप लगाता है. लर्डिस नाउ फाइव डॉटर्स होम द क्विक एंड डेड टिल ऑफ दिस फ्लैट अ माउंटेन यू हैव मेड और टॉप होल्ड कैनियन और द स्काइश हेड ऊ ब्लू ओलंपस. अब इसकी जो है लर्डिस की कम्युनिकेशन शुरू हो गई और उधर से हेलर जो है वो बाहर आ गया है कमिंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए. व्हाट इज ही वो ग्रीफ हियर सच एन एम्फेसिस हूज फ्रेज ऑफ सोरो कंसोल्स द वैंडरिंग स्टार एंड मेक देम स्टैंड लाइक वांडर वांडेड बेयरर्स. This is how nurse the pain leap into the pool. वो भी जो है वो छलांग लगा देता है. वो कहता है एक और आदमी है जो इतने गम में गहरा है और उसके पास इतने सैड हैं और अभी तक वो जम है बाय व्हाट दे हैव हियर. इट्स मी. कहते हैं मैं हैमलेट. मैं गम में हूँ. मुझे इससे मोहब्बत है. मैं इसके जंप लगाता हूँ. दैट इज द डेविल टेक द सूट. कहते शैतान तुम्हें पूछे हैमलेट एंड लर्डिस रिस्क. हैमलेट और लर्डिस जो है आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं. हैमलेट डाउ प्रेज नॉट वेल. आई प्रिटी टेक द फिंगर्स फ्रॉम माय थॉट for thought I'm not splendid and fresh yet have I something in my dangerous which let the wisdom fear hold of the head. कहते कि ये सही नहीं है तरीका. इस तरह से नहीं लड़ा जाता. कहते कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जिस remove your fingers from my throat. मेरे गले से अपनी जो है वो fingers पीछे करो. और कहते कि कुछ गलत है मेरे साथ जो भी हुआ. कहते take your hand off me. Claudius pluck them asunder. इनको अलहदा करो. Gertrude Hamlet all gentlemen. Horatio, to Hamlet, good my lord, be quiet, and calm down, around, थोड़ा सा relax. Attended separate Hamlet and Curtis. वो जो लड़ाई कर रहे हैं इस वक्त ये दोनों को separate करते हैं. Hamlet, why I will fight with him upon this theme until my eyelids will no longer wait. कि मैं इसे लड़ूंगा इस टॉपिक पे जब तक कि मेरी आईलिड्स जो है वो सीज टू ब्लिंक नहीं सकते. गेट्रूड ओ माय सन उसकी कौन सा टॉपिक क्या टॉपिक. हैमलेट आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स. अंडरलाइन करें इसको. आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स could not with all their quantity of love make up my sum. What will thou do for her? कहते मैं ओफेलिया से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इस 40,000 ब्रदर भी इतना चाहे तो भी नहीं कर सकते कि जितना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ. मेरा मुकाबला नहीं कर सकते.
तो ये क्या बातें कर रहा है क्लॉडियस, ओह ही इज मैड, लर्टिस को कहते हैं, अब इसको लग रहा है कि लर्टिस का दिल जो है ना पिघल रहा है, तो कहते हैं ये तो पागल है, क्रेजी है लर्टिस, गेट रूड फॉर लव ऑफ गॉड फॉर डियर हिम, खुदा के लिए इनको अलहदा करो अकेला करो। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसका जो है अगला पार्ट जो है इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है वो सेंड कर दूँगी, तो इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।